हेलो फ्रेंड्स आज हम नीचे से गोलाई के सिप में बॉर्डर का डिजाइन बनाएंगे ये फिशरमैन रीबा स्टीज है जिसे हम पहले भी वीडियो में बना चुके हैं आप इसके जगह एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा का कोई भी पैटर्न बना सकते हैं इसमें इजली सेट हो जाएगा इसे बनाने के लिए फंदे इवन नंबर का लें या फिर टेन के मल्टीपल में आप कोई भी फंदा ले सकते हैं क्योंकि इसे डिवाइड करना रहता है तो अगर आप टेन के मल्टीपल में फंदे लेंगे तो इजली से डिवाइड हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पर फिफ्टी फंदा ली हूँ तो फिफ्टी का वन बाई फाइव यानी कि टेन फंदा बीच में बेस के लिए रखेंगे उसके बाद फोर्टी फंदा में ट्वेंटी फंदा हम इस साइड रखेंगे और ट्वेंटी फंदा इस साइड रखेंगे इस तरीके से आपको फंदे को पहले डिवाइड करना है आप जितना भी फंदा ले रहे हैं उसके वन बाई फाइव आप बीच में रखें उसके बाद जितना फंदा बचा है उसके आधा फंदा आप इस साइड रखें और आधा फंदा इस साइड रखें अगर आपको ये कम गोलाई में सेप चाहिए तो बीच का फंदा ज़्यादा रखें और अगर आपको ज़्यादा गोलाई में ये सेप चाहिए नुकीला चाहिए तो बीच का फंदा कम कर सकते हैं मैं यहाँ पर जैसे कि टेन फंदा रखी हूँ तो उस अनुसार से आप अपने फंदे को डिवाइड कर लें इसे आप लेडीज़ या गर्ल के किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं ये वन सिलाई का पैटर्न है और ये दोनों तरफ से सेम ही बनता है देखिए तो चलिए मैं इसे बनाती हूँ यहाँ पर हम फिफ्टी फंदा लिए हैं फर्स्ट सिलाई एक बेसिक रो बना लेंगे क्योंकि फीसर में रिप अस्टिज के लिए एक बेसिक रो बनाना होता है तो फर्स्ट सिलाई एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बुन करके एक बेसिक रो बनाएंगे ये फर्स्ट सिलाई सीधी साइड है लेकिन पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे तो ये डिजाइन अच्छे से, से सेट हो जाएगा देखिए एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा इसी तरीके से बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे आगे मैं इसी तरीके से पूरी सिलाई बुन करके फिर आपको दिखाती हूँ फर्स्ट सिलाई बुन लिए हैं अब ये सेकेंड सिलाई उल्टा साइड है तो इस सिलाई से सर में डिबल स्टिच देखिए पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे उसके बाद धागा पीछे करके ये सीधा फंदा है तो सिलाई का फंदा नहीं बुन करके हम इसके नीचे से एक सीधा फंदा बना लेंगे देखिए इस तरह से उसके बाद एक फंदा उल्टा जो उल्टा फंदा है उसे नॉर्मल उल्टा ही बुनेंगे लेकिन सीधा फंदा को सिलाई का फंदा ना बुन करके उसके नीचे से एक फंदा बना लेंगे एक फंदा उल्टा और ये सीधा फंदा को देखिए यहाँ से नीचे से एक फंदा बना लेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा को हम नीचे से बनाएंगे सीधा फंदा को नीचे से बनाएंगे देखिए उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे और सीधा फंदा को हम नीचे से बनाएंगे इसी तरीके से बुनते हुए ये सेकंड सिलाई कंप्लीट करेंगे अब ये थर्ड सिलाई सीधी साइड है सिलाई में फंदे को डिवाइड कर लेंगे तो हम यहाँ पर ट्वेंटी फंदा इस साइड और बीच का टेन फंदा यानी कि थर्टी फंदा बुन लेंगे और इधर का ट्वेंटी फंदा रहने देंगे तो देखिए जैसे हम सेकेंड सिलाई बुने हैं उसी तरीके से थर्ड सिलाई भी बुनेंगे ये पहला फंदा उल्टा फंदा है तेजे बिना बुने हुए उतार लेंगे धागा पीछे करके सीधा फंदा को सिलाई का फंदा ना बुन करके उसके नीचे से एक फंदा बना लेंगे एक फंदा को उल्टा बुन लेंगे और सीधा फंदा को यहाँ पर नीचे से बनाएंगे जैसे हम सेकेंड सिलाई में बुने हैं उसी तरीके से ये थर्ड सिलाई में बुनेंगे तो एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए हम थर्टी फंदा बुन लेंगे और लास्ट का ट्वेंटी फंदा रहने देंगे देखिए मैं स्टार्टिंग से ट्वेंटी फंदा प्लस बीच का टेन फंदा यानी कि थर्टी फंदा बुन ली हूँ अब ये लास्ट का ट्वेंटी फंदा बच गया है तो यहाँ पर ये देखिए ये सीधा फंदा है अगर आप सीधी सिलाई से पहला फंदा उल्टा बुन करके स्टार्ट करेंगे तो ये लास्ट का फंदा देखिए सीधा आएगा जब भी आप सीधी सिलाई से स्टार्ट करें तो पहला फंदा उल्टा ही बुने, जिससे कि ये डिजाइन सही से सेट हो सके अब यहाँ पर उल्टा तरफ आ जाएंगे रॉन्ग साइड आज जो बीच का टेन फंदा रखे हैं वो सबसे पहले बुनेंगे तो ये पहला फंदा देखिए उल्टा है तो इसे बिना बुने हुए उतार लेंगे उसके बाद धागा पीछे करके सीधा फंदा जैसे हम बुनते हैं उसी तरीके से बुनेंगे टू तो, थ्री Five, six, seven, eight, nine, टेन टेन फंदा बुनने के बाद वापस राइट साइड आ जाएंगे सीधी साइड और यहाँ पर फिर से हम टेन फंदा बुनेंगे बीच का पहला फंदा उल्टा है तो बिना बुने हुए उतार लेंगे और सीधा फंदा को नीचे से हम सीधा बुनेंगे देखिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन अब ये टेन नंबर का फंदा है तो यहाँ पर हम एक फंदा नीचे से इस तरह से सिलाई पर लेंगे देखिए लास्ट का जो फिनिशिंग है वो अच्छा आएगा उसके बाद दोनों फंदा को एक साथ ले करके सीधा बुन देंगे इसमें दो फंदा और ऐड कर लेंगे ये फिफ्थ सिलाई है तो देखिए इसमें दो फंदा ऐड कर लेंगे एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा यहाँ पर बीच का अब ट्वेल्व फंदा हो गया आगे हर एक सिलाई में दो दो फंदा ऐड करते जाएंगे देखिए जैसे हम यहाँ पर दो फंदा ऐड किए हैं उसी तरीके से इस साइड में भी करेंगे अब उल्टा तरफ आ जाएंगे रॉन्ग साइड ये सिक्स सिलाई है तो सबसे पहले यहाँ पर ट्वेल्व फंदा बीच का बुन लेंगे पहला फंदा उल्टा है इसे बिना बुने हुए उतारेंगे वन और सीधा फंदा को नीचे से बुनेंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन और ये ट्वेल्व नंबर का फंदा है तो यहाँ पर एक फंदा हम नीचे से इस तरह से सिलाई पर ले लेंगे हर एक लास्ट का फंदा आपको इसी तरह से बुनना है उसके बाद दोनों फंदा को एक साथ लेकर के सीधा बुन देंगे और दो फंदा इसमें ऐड कर लेंगे देखिए एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा तब फोर्टीन फंदा हो गया बीच का जैसे हम फिफ्थ और सिक्स सिलाई लास्ट का दो सिलाई बुने हैं उसी तरीके से दो दो फंदा ऐड करते हुए लास्ट के फंदा तक आपको बुनना है पहला फंदा देखिए उल्टा है तो उल्टा उतार लिए उसके बाद ये सीधा फंदा को नीचे से बुन लेंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन एलेवन टूल्व थर्टीन ये फोर्टीन नंबर का फंदा है तो नीचे से एक फंदा हम सिलाई पर ले लेंगे उसके बाद दोनों फंदा को एक साथ लेके सीधा बुन देंगे दो फंदा इसमें ऐड कर लेंगे देखिए एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा अब सिक्सटीन फंदा हो गया बीच का जब भी हम ये साइड आएंगे तो दो फंदा ऐड कर लेंगे और ये साइड आएंगे तो भी दो फंदा ऐड करते हुए हमें लास्ट तक बुनना है तो देखिए इस तरीके से डिजाइन बन जाएगा तो मैं इसी तरीके से बुन करके के कर लेती हूँ फिर लास्ट की सिलाई में आपको बताती हूँ कि कैसे इसे बनाना है अब देखिए यहाँ पर लास्ट का ये दो फंदा बचा है एक फंदा को सिलाई पर इस तरह से लेकर के उसके बाद दोनों फंदा को एक साथ करके सीधा बुन लेंगे और ये उल्टा फंदा है तो उल्टा बुनेंगे लास्ट का फंदा नॉर्मल सीधा बुन लेंगे देखिए अब ये लास्ट के सिलाई में स्टार्टिंग से सभी फंदा बुनते हुए ये लास्ट का दो फंदा ऐड कर लेंगे देखिए हम स्टार्टिंग से सभी फंदा जैसे हम हर एक सिलाई में बुन रहे हैं उसी तरीके से बुन लिए हैं अब ये लास्ट का फाइव फंदा बचा है तो सीधा फंदा को हम नीचे से सीधा बुन लेंगे उल्टा फंदा उल्टा इस फंदा को जैसे हम हर एक सिलाईम बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे एक और फंदा सिलाई पर ले लेंगे उसके बाद दोनों फंदा को एक साथ लेके सीधा बुन देंगे अब यहाँ पर दो फंदा बचा है तो एक फंदा उल्टा लास्ट का फंदा नॉर्मल सीधा बुन लेंगे ये लास्ट का सिलाई कंप्लीट हो गया ये देखिए गोलाई में बॉर्डर बन करके रेडी है आगे आप जो भी पैटर्न बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं इस बॉर्डर की डिज़ाइन को आप फिसरमैन रिवर्स टीज के साथ बनाएंगे तो और भी सुंदर लगेगा क्योंकि ये फ्लेक्सिबल बनता है देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग